हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। और आज है मेरा एग्ज़ाम, और मैथ का मेरा सेकंड एग्ज़ाम है। तो टाइम थोड़ा लेट हो गया, खाना नहीं बनाया, मम्मी खाना बना रही, थोड़ा लेट हो गए आज, उठा भी थोड़ा लेट था। सो अब खाना खाएंगे और जल्दी से निकलूँगा बाइक लेके यहाँ से, देन फर्रुखनगर खड़ी करूँगा, वहाँ से बस में। आपको पता ही है मेरा एग्ज़ाम देने जाता हूँ तो कहाँ पर क्या क्या करता हूँ। बस अभी थोड़ा यहाँ से निकलना बाकी रह रहा है, बस जल्दी से खाना खाऊँगा अब और तुरंत यहाँ से निकल जाऊँगा। सो मिलता हूँ आपसे बाद में। तो गाइज, आज मम्मी ने बनाई आलू बताऊँ की सब्ज़ी और रोटी, अब जल्दी से खाते हैं। और हल्की हल्की बारिश भी आने लगी है, पता ही नहीं। सो निकलता हूँ फिर। सो गाइज, अब निकलता हूँ बाइक लेके, टाइम हो रहा है, वैसे भी लेट हो रहा हूँ। सो मिलता हूँ आपसे बाद में। थोड़ी देर पहले जब एग्ज़ाम दे रहा था ना, जब तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। अब जैसे अब बाहर आया ना, तो आकर देखा कि बारिश अब थोड़ी बहुत हो रही है, हल्की फुल्की हो तो रही है बट बहुत कम हो रही है। बस अब यहाँ से जल्दी से निकलते हैं, देन मिलता हूँ आपसे फिर। बीच में जब आ रहे थे तो एक तो बस भी थोड़े लेट आई, जाने के वक्त भी और आने के वक्त भी। फिर उसके बाद जाम वगैरह भी लग गया था आते समय, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो एक्सीडेंट वगैरह भी हो गया था। तो फ्लाईओवर के ऊपर पड़ता है बीच में, तो वहाँ भी हाफ एन आवर ख़राब हो गया। सो आज मैं लेट 7:30 का राउंड ऑफ पहुँचा, सो आज लेट हो गया आधा घंटे के आसपास, तो भी नहीं लेट हो ही गया मैं आने में। और एग्ज़ाम की बताता हूँ गाइस आपको कि एग्ज़ाम मेरा अच्छा गया है, बट अब एक एग्ज़ाम और होगा मैथ का, उस पर भी डिपेंड करता है। क्योंकि तीन मैथ बी एस सी में आपके मैथ के तीन एग्ज़ाम होते हैं,
जैसे आपको बताया था मैंने लास्ट अपने ब्लॉग में, तो दो एग्ज़ाम तो हो गए, अभी एक एग्ज़ाम रह रहा है मेरा मैथ का और एक एग्ज़ाम रह रहा है मेरा भी फिजिक्स का, तो अब उनकी प्रिपरेशन करना है। अब मेरा एग्ज़ाम वैसे देखा जाए तो 1 तारीख को है, मंडे को, वो है फिजिक्स का, देन उसके बाद है 3 को लास्ट, वो है मैथ का, देन उसके बाद फ्री हूँ। देन और एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि कल जहाँ तक है फ्रेंड्स के साथ मैं खाटू श्याम जी के लिए निकलूँगा और वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूँगा कैसे क्या हुआ था और कैसे कैसे, मतलब जो भी पुरानी जो बातें हैं जो भी सब कुछ है कल आपको इंट्रोड्यूस करूँगा उसमें, और बहुत मज़ा आने वाला है कल। सो वेट करते हैं कल का। और आज मैं जिम जा नहीं पाया बिकॉज लेट हो गया था और अभी भी बारिश आ रही थी, तो जिम जाएंगे हम कल सुबह, और शाम को तो वैसे जा नहीं पाएंगे क्योंकि ट्रेन है हमारी, ट्रेन से जाएंगे, तो कल सुबह मैं जिम जाएंगे और अच्छे से वर्कआउट करके आएंगे। तो अभी करता हूँ मैं डिनर, मम्मा बुला रही है डिनर करने के लिए, देन मिलता हूँ आपसे बाद में। सो अभी मम्मी कॉफ़ी लेके आई है मेरे लिए, अब कॉफ़ी पी रहा हूँ। और मैच की फर्स्ट इनिंग हो गई, आज मैच है आपको बताना भूल गया था, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़। इंडिया ने बनाया 190 बनाया है और 6 विकेट पे, और रोहित शर्मा ने बहुत अच्छी इनिंग खेली, और देन दिनेश कार्तिक में लास्ट में आके बहुत अच्छा फिनिश किया। सो मज़ा आ रहा है मैच देखने में। अब ब्रेक हो गया है और यहाँ मेरा ब्रेक चल रहा है, कॉफ़ी पी रहा हूँ, देन वेट कर रहा है बस जल्दी सेकेंड इनिंग स्टार्ट हो जाए। तो बस पता नहीं रात के 11:30 हो गए, अभी मैच देख रहा था, मैच देखते देखते पता नहीं आज कैसे भूख लगने लगी। सो मैंने ये कल बूंदी है प्रसाद था, इसमें नमकीन मिलाई है, अब खा रहा हूँ। और मैच भी इंडिया जीत चुकी है, अब एडिटिंग करूँगा और मिलता हूँ कल आपसे। सो तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट, और अगर ये मेरे व्लॉग पसंद आया तो इसको प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। बाय।